इसका रजिस्ट्रेशन दे दोगे तो आपको ये गाड़ी मिल जाएगी, इसका एक शोरूम और इंश्योरेंस दोनों जो है वो आपका लोन अमाउंट में चला जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका लोएस्ट डाउन पेमेंट क्या होने वाला है, इतना कम ईएमआई मिलने वाला है यार, अब क्या चाहिए आप लोगों को। बात करते हैं कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होने वाला है। थार ले जा रहे हो सिर्फ और सिर्फ 12,000 की ईएमआई पे, लोएस्ट डाउन पेमेंट बता दिया, लोएस्ट ईएमआई बता दिया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज हम लोग आ चुके हैं कहाँ, महिंद्रा के शोरूम में, और पीछे आप लोग देख सकते हैं महिंद्रा की थार लगी हुई है, RWD टू व्हील ड्राइव, ये फोर व्हील ड्राइव नहीं है। तो इसका जो है हम लोग फुल फाइनेंस डिटेल्स करने वाले हैं कवर, और भी चीज़ क्लियर करेंगे, इसका व्हील बेस क्या है, ग्राउंड क्लियरेंस क्या होने वाला है, इसकी व्हील की साइज़ क्या होगी, इन सभी चीज़ के बारे में बात करेंगे। फुल एक्सटीरियर और इंटीरियर सारा चीज़ क्लियर करने वाले हैं, तो बिना स्किप किए चैनल के साथ बने रहो, मैं सारा चीज़ अभी क्लियर करता हूँ। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि मोस्ट डिमांडेड मॉडल कौन सी हमारी RWD की। तो मोस्ट डिमांडेड मॉडल जो है ऐसे कस्टमर को जो हमारे पसंद होता है, जो आप व्यूअर्स हैं, वो है आपका डीजल मॉडल। ठीक है, डीजल में आपको मैनुअल भी मिल जाएगा, बट पेट्रोल में जाओगे तो पेट्रोल में आपको सिर्फ ऑटोमेटिक मिलने वाला है। ठीक है, इसका वेटिंग टाइम क्या होना है, बुकिंग अमाउंट क्या होने वाला है, उसकी बात हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका एक शोरूम क्या होने वाला है पटना में। तो इसका एक शोरूम प्राइस जो आपको पटना में होने वाली है वो आपको होगी 12,48,000। और अगर हम लोग बात करते हैं कि इसकी ऑन रोड प्राइस क्या होगी पटना में, तो इसका जो ऑन रोड प्राइस होने वाला है हमारे थार RWD डीजल का, उसका ऑन रोड प्राइस होगा आपको 14,51,965। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका लोएस्ट डाउन पेमेंट क्या होने वाला है आप लोगों के लिए। चलिए मैं बता दूं कि इसका लोएस्ट डाउन पेमेंट जो आपको होगा वो आपको होने वाला है 1,45,196। जी हाँ, मतलब आप जो है 1,40,000 के अप्रॉक्स डाउन पेमेंट दो और इसको घर ले जा सकते हो। अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो अगर आपका प्रोफाइल अच्छा होगा या फिर गवर्नमेंट प्रोफाइल आपका होगा, तो आप जो है इसको सिर्फ इसका रजिस्ट्रेशन दे दोगे तो आपको ये गाड़ी मिल जाएगी, आपका जो है इसका एक शोरूम और इंश्योरेंस दोनों जो है वो आपका लोन अमाउंट में चला जाएगा। तो ये भी कर सकते हो, अगर ओवरऑल मानो तो 90% आपका जो है लोन हो जाएगा आराम से, बट अगर प्रोफाइल अच्छा है तो आप चेक करवा लेना एक बार, हमारे एग्जीक्यूटिव हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जो आप डाउन पेमेंट करते हैं 1,45,000 का, तो इसका ईएमआई कितने जाने वाला है 3 ईयर्स में। तो 3 ईयर्स में जो इसका ईएमआई जाएगा वो आपको होने वाला है 41,464। अगर हम लोग बात करें कि इसका 5 ईयर्स का ईएमआई क्या होने वाला है, तो 5 ईयर्स में जो इसका ईएमआई होगा वो आपको होने वाला है 27,031। और अगर बात करते हैं कि 7 ईयर्स में क्या है इसका ईएमआई जाएगा, तो 7 ईयर्स में जो इसका ईएमआई जाएगा वो होने वाला है आपको 20,925। चलिए ये तो हो गया फर्स्ट डाउन पेमेंट। अब हम लोग बात करते हैं कि सेकंड डाउन पेमेंट इसकी क्या होने वाली है। तो सेकंड डाउन पेमेंट जो आपको होगा वो आपको 4 लाख का मैं बता देता हूँ। तो अगर 4 लाख की आप डाउन पेमेंट करते हैं तो 3 ईयर्स के लिए जो ईएमआई जाएगा वो होने वाला है आपको 33,379। 5 ईयर्स की बात करें तो 5 ईयर्स में जो इसका ईएमआई जाएगा वो होने वाला है 21,761। और अगर बात करते हैं कि 7 ईयर्स में इसका ईएमआई क्या जाएगा, तो 7 ईयर्स में जो इसका ईएमआई होने वाला है वो होने वाला है आपको 16,845। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं थर्ड डाउन पेमेंट क्या होने वाला है। थर्ड डाउन पेमेंट उनके लिए है जो कैश तो रखे हैं बट चाहते हैं कि अभी जो है डाउन पेमेंट देकर ही गाड़ी को ले, तो वो आप कर सकते हैं। इसका अगर 50% की अगर डाउन पेमेंट की हम लोग बात करें तो वो आपको 7,21,000 होता है, बट मैं 7 लाख पे आपको बता दूं, तो थर्ड डाउन पेमेंट अगर आप 7 लाख की करते हैं तो जो इसका ईएमआई 3 ईयर्स के लिए जाएगा वो आपको होने वाला है 23,860। अगर बात करें कि इसका 5 ईयर्स का ईएमआई क्या जाएगा, तो 5 ईयर्स का जो इसका ईएमआई जाने वाला है वो होने वाला है 15,555। अब चलिए बात करते हैं कि 7 ईयर्स में इसका ईएमआई क्या जाएगा, तो चलो गेस करो, चलो मैं बता देता हूँ। तो 7 ईयर्स में जो इसका ईएमआई जाने वाला है वो आपको होने वाला है सिर्फ और सिर्फ 12,041। यार अब क्या चाहिए आप लोगों को, थार ले जा रहे हो सिर्फ और सिर्फ 12,000 की ईएमआई पे, मतलब इतना कम ईएमआई मिलने वाला है यार, अब क्या चाहिए आप लोगों को। लोएस्ट डाउन पेमेंट बता दिया, लोएस्ट ईएमआई बता दिया, इस चीज़ पे एक लाइक तो जरूर होना चाहिए कम से कम। चलो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और फिलहाल जो है हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन का। तो सबसे पहले मैं बता दूं, डॉक्यूमेंटेशन जो है आपको 3 तरह का होने वाला है। सबसे पहला आपका हो जाता है गवर्नमेंट प्रोफाइल, सेकंड आपका बिजनेस प्रोफाइल, और थर्ड आपका होता है NIP। NIP क्या हुआ, नॉन इनकम प्रूफ। तो तीनों की प्रोफाइलिंग जो है, सबसे पहला डॉक्यूमेंटेशन में आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स जो आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है, सबसे पहला आपको शो कर रहा है गवर्नमेंट प्रोफाइल का, सेकंड आपको शो कर रहा है बिजनेस प्रोफाइल, और थर्ड नंबर आपको NIP का शो कर रहा है। तो चलिए ये तो आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका बुकिंग अमाउंट क्या होने वाला है हमारे थार RWD डीजल का।
तो इसका बुकिंग अमाउंट जो होगा आपको 11,000 से आप कर सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं कि शोरूम डिटेल्स क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि शोरूम का नाम जो हमारा लीडर होगा, लीडर शोरूम जो हमारे बेउर में है, अनिसाबाद बेउर, कहीं भी आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको शोरूम मिल जाएगी, स्क्रीन पर आपको लिखा शो कर रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि शोरूम एग्जीक्यूटिव का नंबर, किनसे आप कॉन्टैक्ट करके हमारी गाड़ी को, इस थार को आप बुक कर सकते हैं। तो शोरूम एग्जीक्यूटिव का जो नंबर होगा वो आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है, जाइए और कॉन्टैक्ट कीजिए अभी के अभी और बुक कीजिए अपनी ड्रीम थार जो कि हमारी ऑफ रोडर है, तो इसको आप बुक कर सकते हैं। तो फिलहाल अब हम लोग बात करते हैं कि इसका वेटिंग टाइम क्या होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि डीजल मॉडल जो हमारी लगी हुई है इसका वेटिंग टाइम क्या होने वाला है, तो ऐसे तो इसका बताया जा रहा है कि 9 मंथ to 12 मंथ का आपका वेटिंग टाइम होने वाला है, बट आप एग्जीक्यूटिव से क्लियर कर लेना, आपको वो एग्जैक्ट बता देंगे। और अगर हम लोग बात करते हैं कि जिनको अगर जल्दी में गाड़ी चाहिए हो थार, तो उसके लिए जो है पेट्रोल मॉडल भी आप ले सकते हैं, बट वो आपको ऑटोमेटिक मिलेगा RWD का, उसके लिए आपको 3 to 4 मंथ का वेटिंग टाइम जाएगा, बट क्लियर आप जरूर कर लेना हमारे शोरूम एग्जीक्यूटिव से, ये मैं अभी करंट का बता रहा हूँ। और भी अगर क्वेरी होगी आपको कि आपको RWD लेना चाहिए या फिर फोर व्हील ड्राइव लेना चाहिए, वो आप शोरूम में आपको एग्जीक्यूटिव से क्लियर करना, वो आपको सही से सजेस्ट करेंगे और आपके डाउन पेमेंट भी जो है आपके बजट के अनुसार सजेस्ट कर देंगे कि आपको थार लेनी चाहिए या फिर आपको कोई और मॉडल पे आपको स्विच करना चाहिए। तो चलिए ये तो आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होने वाला है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में बता दूं कि आपको जो है वो आपको प्रोफाइल पे आपका डिपेंड करेगा, अगर जैसा आपका प्रोफाइल होगा उसके अकॉर्डिंग आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाला है। प्रोफाइल अगर अच्छा होगा तो आपको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल जाएगा, प्रोफाइल अगर थोड़ा ख़राब होगा या फिर आपका जैसे NIP हो गया या फिर आपका थोड़ा सा प्रोफाइल डाउन है तो उसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफर कर सकता है, वो आप प्रोफाइल चेक करवा लेना, शोरूम में आपको एग्जीक्यूटिव क्लियर कर देंगे, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपका होगा 8.85 to 10% की आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसका फ्रंट लुक का। तो आप देख सकते हो इसका जो फ्रंट लुक है कुछ इस तरह का आपका होने वाला है। ओके गाइस, तो देख सकते हो आपको इसका की जो है हमारी थार का, यहाँ देख सकते हो कितना प्रीमियम लग रहा है, यहाँ महिंद्रा का आपको लोगो मिल जाता है। और जैसे ही हम लोग टर्न करते हैं इसको तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी इसका प्रीमियम लुक है, यहाँ पे आपको टॉक अनलॉक का मिल जाता है ऑप्शन। और यहाँ देख सकते हो मिडिल में इसको जो है आप टैप करोगे तो इसका इंडिकेटर जो है यानी हजार्ड वो आपका ऑन हो जाता है कुछ इस तरह से। और देख सकते हो कुछ इस तरह का फ्रंट लुक है। अब मैं दिखा दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो हेडलैम्प है वो आपको हैलोजन में मिलने वाला है। और अगर हम लोग बात करें कि इसका इंडिकेटर, तो इंडिकेटर पे आप देख सकते हो हैलोजन में है। और अगर बात करें कि हम लोग फॉग लैम्प क्या है, तो फॉग लैम्प भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का लुक मिलेगा जो कि यहाँ पे आपको क्रोम फिनिशिंग मिलता है। और साथ ही साथ देख सकते हो ये भी आपको हैलोजन में मिलने वाला है। ऐसे मुझे बताने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, बट देख सकते हो फ्रंट काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ अंदर फंसे ना कुछ पक्षी वगैरह, अगर कुछ हो छोटा मोटा अगर जानवर हो तो वो अंदर ना जाए, इस कारण से यहाँ पे आपको जाली दे दिया गया है। तो कुछ इस तरह का आपको जो है इसका ग्रिल मिलने वाला है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हो महिंद्रा का ब्रांडिंग। और डाउन साइड हम लोग आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको थार की लोगो मिल जाती है जो कि काफ़ी प्रीमियम लग रही है। और ये हमारा RWD मॉडल है, तो ये देख सकते हो जिस तरह का आपको फ्रंट लुक होने वाला है। तो ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि साइड लुक, तो साइड लुक आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको साइड लुक है। और हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इसका व्हील का, तो व्हील साइज जो आपको होगा वो आपको 18 इंच का यहाँ पे व्हील साइज मिलने वाला है। अगर हम लोग बात करें कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस क्या होने वाला है, तो ग्राउंड क्लियरेंस जो होगी आपको 226 mm की इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाएगी। और इसका व्हील बेस का अगर हम लोग बात करें तो वो आपको होने वाला है 2450 mm का इसका व्हील बेस होगा। अब चलिए हम लोग इसके रेयर साइड पर चलते हैं और रेयर साइड में आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो रेयर साइड कुछ इस तरह का आपको होने वाला है। यहाँ पे आपको एक स्पेयर व्हील जो है आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे मिल जाएगा जो कि आपका ये भी अलॉय में मिलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो टेल लैंप है यहाँ पे आपको थार का ब्रांडिंग मिल जाता है। और यहाँ डाउन साइड में आपको रिफ्लेक्टर का ऑप्शन मिलेगा। कुछ इस तरह का आपको रेयर लुक होने वाला है। अब हम लोग और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं RWD की ब्रांडिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो ये आपका रेयर व्हील ड्राइव है, मतलब RWD का फुल फॉर्म यही हुआ, रेयर व्हील ड्राइव। तो ये आपका टू व्हील ड्राइव गाड़ी हमारी ये हो गई। कुछ इस तरह का आपका लुक है जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। और यहाँ पे आपको थार की लोगो मिल जाती है साइड में, तो काफ़ी अच्छी है। और हम लोग बात करते हैं इंटीरियर की, तो चलते हैं हम लोग इंटीरियर में। सबसे पहले हम लोग इसको ओपन करते हैं और चलते हैं इंटीरियर में। तो इसका सबसे पहले हम लोग डोर देख लें। डोर देख सकते हो काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ पे आपको थार की ब्रांडिंग मिलती है। यहाँ पे आपको जो है ORVM कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है। कुछ इस तरह से आप यहाँ से ORVM कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको डोर ओपनिंग के लिए हैंडल मिल जाता है। तो हम लोग पहले अंदर चलते हैं इसको। ओके गाइस, तो मैं फर्स्ट टाइम थार में बैठ रहा हूँ और काफ़ी मतलब अच्छा फीलिंग आ रहा है मेरे को। लग रहा है कि मैं जो है एक हाथी पे बैठा हुआ हूँ। बहुत ही अच्छी फीलिंग है, पर्सनल फीलिंग मैं बता रहा हूँ, बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है।
और चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इसके स्टीयरिंग की। सबसे पहले तो आप मिडिल में देख सकते हो महिंद्रा की आपको लोगो मिल जाती है। और अगर हम लोग बात करें कि इसमें आपको फीचर्स क्या क्या मिलने वाले हैं स्टीयरिंग में, तो स्टीयरिंग आप देख सकते हो यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं प्लस एंड माइनस, यानी कि स्पीड यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको वॉइस असिस्टेंट का ऑप्शन मिलता है। और हम लोग शिफ्ट होते हैं अगर लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे आपको कॉल रिजेक्ट एंड पिक करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आप वॉल्यूम अप एंड डाउन कर सकते हैं। यहाँ म्यूट है और ये SRC है। SRC का मुझे मतलब नहीं पता है, बट आप कमेंट करके बताना कि SRC क्या होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसका इग्निशन देते हैं और इसको एक नाइफ की तरह यहाँ पे इंजेक्ट करते हैं। तो कुछ इस तरह से हम इंजेक्ट जैसे ही करते हैं तो ये देख सकते हो इस तरह से आपका मीटर ऑन हो जाता है, जो कि हमारा नॉर्मल एनालॉग दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो यहाँ पे एक चीज़ मैंने नोट किया और इसका मीटर मैंने दिखा दिया यहाँ पे। आप देख सकते हो थार का कितना प्रीमियम ब्रांडिंग आया यार, मतलब स्टार्ट होता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको म्यूजिक सिस्टम इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। हम लोग बात करते हैं कि इसका लुक, तो लुक आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जो है चार मिल जाएगा। यहाँ पे आपको AC वेंट फ्रंट में 1, 2, 3 एंड 4 चारों जो है आपको ब्लैक ग्लॉसी फिनिश में, और साथ ही साथ जो है क्रोम का इस पे काम किया गया है, तो काफ़ी अच्छी लग रही है। और यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं इसका सारा जो AC वेंट है उसी तरह का है, मतलब लुक काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे आपको देख सकते हो कुछ मैनुअल और कुछ अगर बात करें तो जैसे कि हमारी ये ऑफ रोड कार है, तो हमारी जो ये ऑफ रोडर कार है ऑफ रोडर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत ही मतलब अच्छा काम इस पे किया गया है। ज़्यादा इस पे छेड़छाड़ नहीं किया गया, ज़्यादा इसमें आपको डिजिटल नहीं किया गया है, बट ये जो लुक है ये बहुत ही अच्छी लग रही है। यहाँ से देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। ये मुझे तो खैर पर्सनली बहुत ही अच्छी लगती है। थार फेवरेट कार है, थार मेरी फेवरेट है, इसको कार नहीं बोल सकते हैं, तो ये क्या ही बोलूँ, एक बीस्ट है थार। मुझे पर्सनल बहुत ही अच्छी लगती है, जैसा मैंने बताया अभी तो पता नहीं कितना बार बोल दिया मैंने, बट चलिए हम लोग बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो AC कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ से मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे यहाँ पे आपको फीचर्स मिलते हैं। यहाँ से आप जो है इसे जो है इसका डोर ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। यहाँ आपको जो है ये आई थिंक ये जो आपको गाड़ी अगर ज़्यादा स्किड कर रही है उसके लिए है। और ये हमारा हजार्ड हो गया, ये हमारा अलार्म बटन हो गया, तो ये कुछ इस तरह का आपको होने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउन शिफ्ट होते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे आपको USB पोर्ट मिलेगा और साथ ही साथ जो है आपको 3.5 mm का यहाँ पे आपको जैक मिल जाता है। आपको यहाँ पे देख सकते हो डाउन साइड में यहाँ पे जो है इसका विंडो ओपन करने का इस तरह से मिल जाता है। यहाँ आप देख सकते हो इस तरह से क्लोज एंड ओपन कर सकते हैं। ओके, वन टच क्लोज एंड ओपन नहीं है बट अच्छी है। यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको मिल जाएगा। और यहाँ देख सकते हो आप लोग, तो यहाँ पे जो है यूटिलिटी बॉक्स एक मिल जाता है आपको, ये देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको इसका यूटिलिटी बॉक्स मिल जाएगा। और यही आपका जो है हैंडरेस्ट भी बन जाएगा। कुछ इस तरह का आपको लुक होने वाला है। बाकी कंफर्ट की बात करें तो सीट अभी तक मैं जो बैठा हुआ हूँ काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल सीट है। और इसका आप देख सकते हो पैसेंजर सीट भी जो है काफ़ी कंफर्टेबल है। फ्रंट में 2 एयरबैग मिल जाएगा। सबसे पहला आप यहाँ देख सकते हो एक एयरबैग यहाँ पे आपको है इसके स्टेयरिंग पे, और सेकेंड एयरबैग आपको यहाँ पे इस जगह पे मिल जाता है। यहाँ पे आपको होल्ड करने के लिए मिल जाता है, क्योंकि ऑफ रोड कार है तो ऑफ रोड में आपको जेन्युइनली चाहिए ही चाहिए। यहाँ पकड़ने के लिए नहीं पकड़ना मिलेगा तो फिर आप कूदते रहो, आप उछलते रहोगे। और यहाँ भी देख सकते हो यहाँ पे आपको ग्लोव बॉक्स मिल जाता है, जो कि काफ़ी छोटी सी है बट काफ़ी अच्छी है। मतलब छोटा सा अगर छोटा मोटा अगर सामान वगैरह है आपका तो यहाँ पे आप रख सकते हो। अगर बाकी अगर हम लोग बात करें इसके रेयर प्रोफाइल की, तो रेयर में आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको लुक है। अगर बात करें इंटीरियर की, तो इंटीरियर फुल आपका ब्लैक मिलने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है और काफ़ी प्रीमियम है। देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको इसमें लुक आने वाला है। अब हम लोग चलते हैं रेयर साइड पर। ओके गाइस, तो मुझे ओपन करना नहीं आ रहा था बट भैया ने ओपन कर दिया। किसे कैसे इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ से इसको ऐसे पुश करेंगे तो ये जो है हमारा डाउन हो जाता है आगे। तो ये देख सकते हो पीछे जो है काफ़ी अच्छा इसमें स्पेस मिलने वाला। चलो ये तो आगे है बट यहाँ इधर मैं बैठ के दिखा दूँ आपको। तो यहाँ आप देख सकते हो लेग स्पेस आपको अच्छा खासा इसमें आपको मिलने वाला है। अगर बात करें सीटिंग की, तो सीटिंग जो है यहाँ पे आपको 3 लोग, मेरे को लगता है कि मेरे जैसे अगर पतले लोग होंगे तो 3 लोग बैठ जाएंगे, बट अगर थोड़े से अगर हेल्दी लोग होंगे तो उनको बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बट ये चल दो ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें भी आपको यहाँ पे छोटा मोटा यूटिलिटी बॉक्स मिल जाता है। तो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह का हैंडरेस्ट है और काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें काफ़ी अच्छा वर्क किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी लग रही है। और देख सकते हो इसका विंडो जो है कुछ इस तरह से लंबा है। यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाता है और यहाँ पे आपको ट्विटर मिल जाएगा कुछ इस तरह का। यहाँ पे आपको लैंप मैंने दिखाई दिया और देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको रियर लुक होने वाला है। एडजस्टेबल आपका हेडरेस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, जो कि हमारा 2 USB इधर मिल जाएगा और 2 USB पोर्ट इधर आपको देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छी है। रेयर में AC वेंट नहीं है बट चलो ठीक है,
अगर कंफर्ट वाइज बात करें तो कंफर्ट अच्छा है, फ्रंट वाला जो एसी वेंट है उतना पावरफुल होगा कि इसका पूरा का पूरा कैबिन जो है चिल्ड हो जाता होगा। ओके गाइज, तो जो भी आपका क्वेरी होगा होप सो क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा। इनफैक्ट मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है, तो आप जाइए इंस्टाग्राम पर मेरे कमेंट करिए। अगर कुछ भी क्वेरी होगा तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैं पूरा आपको क्लियर कर दूंगा। और इससे ज़्यादा अगर कुछ क्वेरी होगा तो आप शोरूम एग्जीक्यूटिव का नंबर है, जाइए और कॉन्टैक्ट कीजिए। रात में कॉन्टैक्ट मत करना, दिन में ही कॉन्टैक्ट करना, वो बढ़िया होगा। और बाकी जो है ये थार जो है मेरी पर्सनली फेवरेट गाड़ी है, तो इसका जो हम लोग टेस्ट ड्राइव भी लेंगे, इसका टू व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव दोनों का ही टेस्ट ड्राइव लेंगे। तो अगर उसका भी अगर फुल वीडियो चाहिए होगा आप लोगों को तो आप कमेंट कर देना, वो भी जल्दी से जल्दी आ जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों की फेवरेट कौन सी है, RWD या फिर फोर व्हील ड्राइव। अगर आपको फोर व्हील ड्राइव पे वीडियो चाहिए हो, फुल फाइनेंस वीडियो, आप मॉडल बता देना, मैं उस पर ही आपको फुल वीडियो दे दूंगा विद फाइनेंस डिटेल्स और फुल रिव्यू भी मिल जाएगा। तो वीडियो के साथ बने रहो और हमारा चैनल सब्सक्राइब करो अगर वीडियो पसंद आता है तो, और लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो चलो मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राइड सेफ।